भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सुधीर सिंह सिद्धू की अगुवाई में जनपद के शहीदों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को मिलकर नमन किया गया। भाजपा जिला प्रभारी व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा सुधीर सिंह सिद्धू ने शहीद उद्यान पहुंचकर शहीदों के चित्र पर व माल्यार्पण व शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके बाद वह रेलवेगंज के अरुणा पार्क में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मन्ना लाल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। साथ सदस्य सांसद अंशुल वर्मा, जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण शास्त्री, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर, भाजपा जिला महामंत्री क्रमवीर सिंह आदि मौजूद रहे। आपके द्वारा शहीदों को नमन किया गया, क्या कार्यक्रम है आपका? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के द्वारा आजादी के इस 72वीं वर्षगांठ पर आजादी के दूसरे दिन, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों को लेकर के आज पूरे देश के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो किसानों के लिए किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि शहीदों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मैदान में, इस क्रम में आज हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के अंदर अपने जो भी शहीद हुए हैं, जो आजादी की लड़ाई में जो शहीद हुए, सरदार भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, पंडित बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खां जी, इन सब के चित्रों पर, इनके मूर्तियों पर माल्यार्पण करके, उनका स्वच्छता करके, उनको पुष्प अर्पित करने का काम हम कर रहे हैं। और आजादी के लिए देश में शहीद होने वाले जो भी हमारे नौजवान रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई में भाग लिया है, उन सबको हम घरों पर जाकर के भी सम्मानित करने का काम करने वाले हैं, क्योंकि आज हम उन्हीं के पुनीत कार्यों के द्वारा इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर आजादी के साथ साथ ले रहे हैं। इस नाते किसान कल्याण किसान मोर्चे ने ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा शहीदों के सम्मान में उनका स्वागत, सम्मान और पुष्पार्चन करने के साथ में उनके परिवारों का